किस नौकरी जा रही है, हमारी गरीब तबकों की नौकरी जा रही है, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये गरीब हमारे भाई बहन काम करते थे, वो सारा नौकरी जो है ये इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी घुसपैठिए लेके गए हैं। उनको यहाँ पे अगर आना है वर्क परमिट लें, वीजा लें, उसके बाद आए काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के अल्पसंख्यक मंत्री ने बयान दिया है कि वो NRC को सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी और मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। हमारे साथ हैं आज राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के प्रवक्ता रामनिवास कुमार। इनसे जानेंगे कि देश में जो NRC का मुद्दा छाया हुआ है वो क्या है और बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आज इनसे जानेंगे कि NRC पूरे देश में क्यों लागू किया जा रहा है। रामनिवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटी पे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि NRC क्या है और बिहार में इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जो है वो असम एकॉर्ड से स्टार्ट हुआ था। जब बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल हुआ था, वहाँ से लोग बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स की ओर के रूप में असम की ओर आए, और धीरे धीरे करके वो इलीगल इमिग्रेशन जो है बाकी राज्यों में भी आ गया है। और आज के डेट पर 80% से ज़्यादा जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में रह रहे हैं। और इसका प्रभाव ये है कि अगर आप देखें हमारे बिहार की पृष्ठभूमि देखें तो बिहार जो है एक लैंडलॉक स्टेट है, जहाँ पे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ज़मीन बहुत कम है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे नहीं आ रहे, नौकरियाँ कम हैं। तो जो भी छोटे मोटे जो रोज़गार हैं, जो हमारे गरीब तबके के रोज़गार हैं, वो भी छिनते जा रहे हैं। और ख़ास करके ये जो सीमांचल का एरिया है, ज़िले हैं, जैसे आपके फारबिसगंज हो गया, कटिहार हो गया, किशनगंज हो गया, पूर्णिया, इसमें एक अनुमान ये बताता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठी अभी तक वहाँ पे रह रहे हैं, और जो कि धीरे धीरे करके एक डेमोग्राफी वहाँ पे चेंज हो गया। देखिए, एक तरफ जो NDA बिहार में है, उसके सहयोगी दल नीतीश कुमार की पार्टी JDU, वो NRC का विरोध करें, लेकिन BJP का कहना है कि राज्य में ज़रूरी है NRC को लागू करना। ये जो मुद्दा है ये सिर्फ राज्य का नहीं, पूरे देश का। हमारे BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी कहा है कि NRC पूरे इंडिया में लागू होगा। तो अब ये JDU या BJP या एक स्टेट का मुद्दा नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच जो है इसको जोर शोर से आगे लेके जाएगा। जहाँ तक JDU की बात है, तो अगर आप देखें कुछ दिनों पहले ही वहाँ के अल्पसंख्यक मंत्री ने बयान दिया है कि वो NRC को सपोर्ट कर रहे हैं बिहार में खास करके। तो कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात माननीय चिराग पासवान जी से भी हुई थी, उन्होंने भी NRC को पूरा सपोर्ट किया है कि इसको लागू होना चाहिए, क्योंकि ये गरीब के रोजगार रिलेटेड भी मुद्दा है, अपार्ट फ्रॉम राष्ट्रीय सुरक्षा। वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, वो अपने देश में रहें, सुरक्षित रहें, उनको यहाँ पे अगर आना है वर्क परमिट लें, वीज़ा लें, उसके बाद आएँ काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप गैर कानूनी तरीके से आएंगे, तो अभी कुछ दिनों पहले 150 लोग के लगभग USA से इलीगल बिना वीजा के गए थे, उनको इंडिया में वापस लिया गया। इंडिया ने तो विरोध नहीं किया अमेरिका में। तो अगर कोई करोड़ों की तादाद में अगर कोई इंडिया में आता है और बिना वर्क परमिट के अगर काम कर रहा है, तो हम ये नहीं करें कि उसको आप निष्कासित कर दीजिए, कम से कम आइडेंटिफाई तो करें कितने हैं, क्या प्रभाव हो रहा है इस पर, सुरक्षा पे, रोजगार पे क्या प्रभाव हो रहा है इस। अक्टूबर के महीने में श्री अंद्रेज कुमार जी, जो हमारे राष्ट्रीय संस्थापक हैं और मार्गदर्शक हैं राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ मुस्लिम का बात नहीं है, ये एक मुद्दा सुरक्षा का है, इंडियन मुस्लिम को भी हमारे साथ आना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके भी रोजगार जो है ये इलीगल इमिग्रेंट्स, ये घुसपैठियों के कारण जा रहे हैं। मतलब कि रोजगार को लेकर कि अपने देश के, अपने राज्य के युवाओं को कोई उनका रोजगार कोई दूसरा देश वाला ले रहा है, इसके कारण निराशा लाई जा रही है। इसके कारण भी और सुरक्षा का मुद्दा भी, सुरक्षा का मुद्दा इसमें सबसे। आप ये देखिए, इसको अगर एनालाइज कीजिए तो नौकरी किसका जा रहा है। अगर इसमें नौकरी सबसे पहले किसी का जा रहा है तो पुअर क्लास का कंस्ट्रक्शन वर्कर, पूरा का पूरा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो कारपेंटर हुआ करते थे, जो
हेयर सलून में जो काम करते हैं या आपके रिक्शा पुलर हैं, ये गरीब हमारे भाई बहन काम करते थे, वो सारा नौकरी जो है ये इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी घुसपैठिए लेके गए हैं। तो किसकी नौकरी जा रही है? हमारे गरीब तबकों की नौकरी जा रही है। तो हम उनकी बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सिर्फ एक ये तो जॉब का मुद्दा है जो कि हमारे गरीब भाई बहनों को समझना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा मुद्दा ये राष्ट्रीय सुरक्षा का है। हम जो लोग आते हैं, और इनफैक्ट अगर आप पार्टी लाइन के कहें तो माननीय पूर्व गृह मंत्री ने पी चिदंबरम जी ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि बांग्लादेशी एक सीएम होगा आसाम का। शशि थरूर ने जी बोला था कि ये टर्माइट्स हैं। तो यहाँ पे पार्टी जब वो पावर में थे तो वो खुद इन्होंने रियलाइज किया कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने खुद बोला है। तो ऐसा नहीं है कि सब दबी जुबान में सब जानते हैं कि ये बहुत ही जरूरी है एनआरसी एक्सरसाइज अक्रॉस इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद राम निवास जी हमारे साथ एनआरसी को लेकर के विस्तृत बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।